हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग मार्केटिंग का एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को अपनी वेबसाइट पे प्रमोट करते हैं और उस प्रोडक्ट या सर्विस के हर लीड या सेल जो हमारे वेबसाइट के थ्रू जनरेट होता है उसके बदले में कमीशन पाते हैं। तो क्या एफिलिएट मार्केटिंग सचमुच में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है? क्या हमें एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहिए? तो इन क्वेश्चन के आंसर के लिए हम दुनिया के कुछ फेमस एफिलिएट मार्केटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जॉन जो एक रेवोल्यूशनरी फिगर हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, उन्होंने 2 से 3 सालों में, और वो भी केवल 2 घंटे हर दिन काम करते हुए, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू $50,000 पर मंथ कमाना शुरू किया। उनकी वेबसाइट है johncho.com, और अगर आप गूगल करें या डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़ें या उनके खुद के ब्लॉग्स पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा कि वो 40 से 50 हज़ार डॉलर मंथली अर्न करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। चलिए उनकी वेबसाइट को देखते हैं। आप देख सकते हैं ये johncho.com है, johncho की वेबसाइट है, और यहाँ पे वो ब्लॉग्स लिखते हैं। सो यहाँ पे वो सिखाते हैं कि आप कैसे अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट अ ब्लॉग। एंड जब मैंने स्टार्टअप ब्लॉग पे क्लिक किया तो यू कैन सी दीज आर प्रमोशनल कंटेंट, और वो कई तरह के कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं। सो इनके थ्रू जो सेल्स या लीड जनरेट होगी, लाइक ही इज प्रमोटिंग होस्टगेटर, तो इनके थ्रू जो सेल्स या लीड जनरेट होंगी उसके बदले में उन्हें कमीशन मिलता होगा। दूसरे फेमस एफिलिएट मार्केटर हैं पैट फ्लैन। पैट फ्लैन ने 2008 में अपनी एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया था, और उनके पास कई सारी वेबसाइट हैं जिनके थ्रू वो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। उनकी मंथली इनकम इन वेबसाइट के थ्रू करीब करीब $53,000 है। पैट फ्लैन के बाद जो हमारे अगले एफिलिएट मार्केटर हैं वो हमने इंडिया से लिया है, और ये हैं मिस्टर अमित अग्रवाल। ये इंडिया के फर्स्ट ब्लॉगर माने जाते हैं। इनका मंथली इनकम 50 से 60 हज़ार डॉलर है। चलिए इनकी वेबसाइट देखते हैं। ये मिस्टर अमित अग्रवाल की वेबसाइट है डिजिटल इंस्पिरेशन। सो आप देख सकते हैं कि उनकी वेबसाइट पे जैसे ही हम आए एक ऐड आ चुका है। इस ऐड से ही इज अर्निंग। सो लेट्स क्लोज दिस ऐड। यू कैन सी अनदर ऐड। तो इस तरह से ही इज अर्निंग थ्रू हिज ब्लॉग। हमने अभी 3 टॉप एफिलिएट मार्केटर को डिस्कस किया, और हमने देखा कि वो 50 से 60 हज़ार डॉलर मंथली कमा रहे हैं। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा बनता है। तो क्या इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर है? जैसा अभी हमने मिस्टर अमित अग्रवाल का मंथली इनकम देखा, उसको देख के तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग का अच्छा फ्यूचर है। चलिए हम कुछ और चीज़ें जानते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग जो टोटल ऑनलाइन सेल होता है उसके 15 से 20% सेल को जनरेट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप कितना ज़्यादा है इंडिया के अंदर। इंडिया की जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन है IAMAI, उसके रिपोर्ट के अनुसार 835 मिलियन डॉलर का एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस होगा इंडिया में 2025 तक। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग कितना ज़्यादा बूम हो रहा है। तो ये सारा डाटा इंडिकेट करता है कि इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर अच्छा है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर नहीं पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखे क्यों पसंद नहीं आया है। थैंक यू।